Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 4, MPCE 011, that is MAPC Second Year Clinical Psychology. Students ke liye ye video hai. Isme already maine first aur second videos upload kar chuki hu main. Ye third video hai jisme hum डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे एंड अदर डिसऑर्डर्स के बारे में भी बात करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक यू गाइस दैट यू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सेकेंड रिक्वेस्ट इज डू नॉट स्किप द एडवर्टाइजमेंट दैट आर शोन ऑन द वीडियो, सिंस any benefit from this would go to underprivileged kids. So मेरी ये छोटी सी एक कोशिश है जिससे मैं underprivileged बच्चों की हेल्प कर सकूँ. इसमें आप भी साथ दे सकते हैं मेरा अगर आप advertisements को skip ना करें. So जो भी monetary help होगी वो बच्चों को दी जाएगी. So let us start with today's topic, delusional disorder. We have already done with the concept of paranoia, then symptoms, kinds of paranoia, this we are done with, then causes of paranoia we are done with. Today we are going to start with delusional disorder. Delusional disorder kya hai? पैरानोइया में हमने ये देखा था, पैरानोइया में इंसान का जो बिलीफ होता है किसी पे शक करने का वो बहुत ज़्यादा डीप होता है. डिल्यूजनल डिसऑर्डर में इंसान इरेशनल बिलीव्स रखता है, कुछ ऐसी सोच रखता है जिस और इतने श्योरिटी से उसका वो बिलीफ होता है कि वो उसको चेंज करने के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता कि जो भी वो सोचता है उसको लगता है वो बिल्कुल सही सोच रहा है एंड 100% श्योर होता है जो भी वो सोच रहा होता है और उसको चेंज करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता. इवन इफ अगर आप उसको प्रूफ भी दिखा दें कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है तो भी वो उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना बिल्कुल नहीं चाहेगा. तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में आप ये देखेंगे डिल्यूजनल डिल्यूजन्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन बिजेयर और एक होता है बिजेयर. जो नॉन बिजेयर होता है वो इस तरह के सोच होगा जो हो सकता है, मतलब आप उसकी बात से ये मानेंगे कि हो सकता है ऐसा हो लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है ऐसा होने का. जैसे कि अगर वो बोले कि मेरे पीछे गवर्नमेंट एजेंसीज पड़ी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ा है जो आपकी इनकम के ऊपर नज़र रखता है तो और सारे टाइम वो डरता रहेगा, अपने कार्ड्स यूज़ करने में डरेगा, अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने में, कोई भी ट्रांजैक्शंस करने में डरा हुआ दिखाई देगा. तो एक पल के लिए आप ये सोचेंगे कि हाँ हो सकता है इसके पीछे पड़ा हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन आप उसकी जो सर्कमस्टेंसेज है उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि इसके पास इतना पैसा होगा कि इसके पीछे गवर्नमेंट एजेंसीज पड़ जाएँ. सो इस तरह के जो नॉन बिजेयर डिल्यूजन्स है वो इंसान कैरी करेगा. बिजेयर डिल्यूजन्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है होना. बहुत अजीब सी बातें करेगा जो आपको लगेगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है जो ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है. तो अगर जैसे कि कोई मैन आपको आके बोल दे कि आई एम प्रेग्नेंट, पहली चीज़ मैन कैसे प्रेग्नेंट होगा एंड दूसरा वो ये बोले कि आई एम प्रेग्नेंट विद जर्मन शेपर्ड पपीज. सो दिस इज सो फनी कि आप उस पर कभी कतई विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसी कोई चीज़ हो सकता है. तो ये होता है बिजेयर डिल्यूजन्स जिसका ना सर होता है ना पैर होता है. सो आपको इस तरह से ये पता चल जाएगा कि बिजेयर डिल्यूजन है या नॉन बिजेयर डिल्यूजन है. सो इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे. जो इनके मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड व्यू को लेकर होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसका कोई फाउंडेशन नहीं होता जो भी वो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करें तो जिसको भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर होगा वो बहुत ऑड बिल्कुल नहीं दिखेगा, एक आम इंसान जैसा होगा. उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी कि आपको लगेगा हाँ इसको कोई बीमारी है या ये कुछ गलत सोचता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा. बस तभी ये अजीब लगेगा जब वो बहुत ज़्यादा इलनेस में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं पता चलेगा आपको कुछ भी. वो उसकी डे टू डे लाइफ में बहुत अनयूजुअल चॉइसेस होंगी, इससे आपको उस पर डाउट हो सकता है. जैसे कि मैंने वो गवर्नमेंट एजेंसी का तो बताया है कि और
ये कार्ड्स यूज़ करने में डरेगा और कुछ कुछ बोलेगा कि मेरे पीछे गवर्नमेंट पड़ी है ये एंड वो। सो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इन इसको नहीं पहचान पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते, क्योंकि ये कुछ और डिसऑर्डर्स के साथ भी होता है। मतलब कुछ और साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, उसके साथ भी डिल्यूजन्स होते हैं। इसलिए मेंटल प्रोफेशनल जो होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनको ऐसे लोगों को जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो पर्सन जिसको डिल्यूजन है वो खुद आके डिस्कस ना करे या बोले कि उसको अपनी लाइफ में इस डिल्यूजन की वजह से डिफ़िकल्टी होती है और वो साइकेट्रिकली या तो डिस्टर्ब है, तब हमें पता चलेगा। अदरवाइज़ ये कभी खुद से नहीं आते, क्योंकि ये बहुत श्योर होते हैं अपने बिलीफ के लिए। हेलुसिनेशंस इसमें होता नहीं है, इनमें एब्सेंट होता है हेलुसिनेशंस, मतलब आवाज़ें आना ये सब। और अगर कभी हो भी तो बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। सो हम उसको एक लाइन नहीं बना सकते डायग्नोसिस की। डिल्यूजनल डिसऑर्डर सफरर जो होते हैं, ये कभी कभी डिस्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं अपने डिल्यूजन को लेके, जब उन्हें लगता है, उनको ये महसूस होता है कि वाकई मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए और वो उसकी लाइफ की फंक्शनिंग को काफ़ी गलत ख़राब कर रही है। उसको जब तक ये इंसाइट नहीं होता वो आपके पास नहीं आएगा ट्रीटमेंट के लिए, पहली चीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरी बात यह है कि ये बहुत रेयरेस्ट केसेस है जिनको ऐसा इंसाइट होता है, अदरवाइज इनको इंसाइट ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है। जो सफ़र करते हैं डिल्यूजन से वो हमेशा ये बोलेंगे कि हाँ कुछ उनकी लाइफ में कुछ अपसेटिंग चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर स्पाई कर रही है और या वो सर्विलेंस पे है इसीलिए गलत हो रही है। एंड ये बस ये अगर उनकी लाइफ से हट जाए तो उनकी लाइफ बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह से बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं गलत सोचता हूँ, वो डाउट करेंगे, वो ये सोचेंगे कि जो भी उनके साथ गलत हो रहा है या प्रॉब्लम में है तो ये गवर्नमेंट की वजह से, दूसरों पे मर देंगे चीज़ें। जो लोग सफ़र करते हैं इस डिसऑर्डर से वो अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे, अपने लाइफ में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका एक्चुअली डिल्यूजन ही है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल बताएंगे उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और वो ये बोलेंगे कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ये उनके हाथ की चीज़ नहीं है, इंटरनल कंट्रोल में नहीं है, ये बाहर के फैक्टर्स है जो ऐसा करवा रहे हैं, हो रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है। जैसे अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा या उनकी रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तो वो ये भी बोलेंगे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इसीलिए ये हो नहीं पा रहा। वो ये नहीं बोलेंगे कि उनके अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं इस वजह से नहीं हो पा रहा। जो डिल्यूजन है वो इनका जो डिल्यूजन है वो इलीगल बिहेवियर भी कॉज करता है और इनकी जो एबिलिटी है काम की उस पर भी असर डालता है और डेली एक्टिविटीज़ में भी असर डालता है। लेकिन ये जिनको ये महसूस हो जाता है कि उनकी लाइफ में वाकई असर डाल रहा है, तब तक ये कभी भी इस क्लिनिकल अटेंशन के लिए नहीं जाएंगे। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है, लेकिन इनका इतना स्ट्रांग बिलीफ होता है इन सब चीज़ों को लेकर कि वो ये सोचते हैं नहीं, ये बाहर के फैक्टर्स हैं जो इनको ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज़ अंदर की चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके उनके अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अनलेस उनको ये इंसाइट हो जाए कि हाँ उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है और वो बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं और अपनी लाइफ को नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज उनके साथ वाकई कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो मेडिकल अटेंशन सीक करेंगे। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाले हमेशा मेंटल हेल्थ केयर को अगर सीक करने का डिसाइड भी करेंगे, तो इनका जो मोटिवेशन होगा वो ये नहीं होगा कि इनके अंदर की प्रॉब्लम्स हम ठीक कर दें, अनयूजुअल थॉट जो इनके अंदर आते हैं उनको वो चेंज नहीं करना चाहेंगे। वो सिंपली ये चाहेंगे कि जो इंटरफेरेंस है ट्रीटमेंट से, वो जो निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या फियरफुलनेस हो रही है या गुस्सा आता है या कॉन्स्टेंट चिंता है, वो ट्रीटमेंट से दूर हो जाए, लेकिन वो उनका जो बिलीव सिस्टम है ना वो चेंज नहीं करना चाहेंगे वो लोग। फर्दर डिल्यूजनल डिसऑर्डर में को हम पहले इसको है ना पैरानॉइड डिसऑर्डर भी कहा जाता था, डिल्यूजनल डिसऑर्डर को, जो एक तरह की सीरियस मेंटल इलनेस है, आपको पता ही है। इसको हम साइकोसिस भी कहते हैं, जिसमें पर्सन जो होता है वो जो भी इमेजिन चीज़ होती है उसी को ही सच मान लेता है। सो जो
मेन फीचर जो डिल्यूजन का हम देखते हैं वो यही देखते हैं कि उनके बिलीफ इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो सच नहीं है उसको भी वो सच मानते हैं और स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उस चीज़ को. जो लोग नॉन बिजेयर डिल्यूजन्स रखते हैं, जिसका एक्सपीरियंस करते हैं जो लोग, वो ऐसे सिचुएशन में, रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी उनकी आ जाती है जैसे कि उनको लगता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है, या कोई उनको जहर देना चाहता है, या कोई उनको धोखा देना चाहता है, या कुछ लोग उनके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, या कोई उन्हें दूर से चाहने लगा है. इस तरह के उनके दिमाग में नॉन बिजेयर डिल्यूजन्स होते हैं और इनके जो परसेप्शंस होते हैं वो भी मिस इंटरप्रेट करते हैं. ये जो भी परसीव करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं, मतलब गलत तरीके से समझने या सोचने लगते हैं. और रियलिटी में अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशंस है या तो बिल्कुल सच नहीं होती, या छोटी सी बात को ये बहुत बड़ा चढ़ा के इमेजिन करते हैं. और जो लोग डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स के लोग हैं, ये जनरली सोशलाइज करते हैं, नॉर्मली फंक्शन भी करते हैं, बस इनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो एक डिल्यूजनल थॉट के ऊपर होती है. एक चीज़ जिसके लिए, जिसका उनके डिल्यूजन होता है उनको, बस वही एक चीज़ अजीब होती है उनकी लाइफ में, बाकी हर एक चीज़ बहुत नॉर्मल होती है और बिजेयर या ऑड मैनर में ये बिहेव नहीं करते. जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उसमें आप क्या देखेंगे, उसमें भी डिल्यूजन्स होते हैं इन बाकी सिम्टम्स के अलावा. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जिनमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, ये डिल्यूजन में इतने ज़्यादा घुस गए होते हैं कि इनकी लाइफ ख़राब होने लगती है. ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि इनका कहीं और मन ही नहीं लगता, वो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं. अगर हम देखें जो हॉलमार्क है इस डिसऑर्डर का, वो ये है कि जो नॉन बिजेयर डिल्यूजन होगा, परसिस्टेंट नॉन बिजेयर डिल्यूजन विदाउट सिम्टम ऑफ एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें भी सिर्फ डिल्यूजन है उसमें और कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा, ये हॉलमार्क होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर का. अगर और कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें बाकी भी सिम्टम होंगे डिल्यूजन के अलावा. डिल्यूजन्स जो होते हैं ये ऐसे बिलीव्स हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे बिलीव्स हैं जो सच नहीं होते और उनके जो कल्चर होता है उसमें भी वो शेयर नहीं किए जाते. जो भी बिलीव्स होते हैं वैसे कुछ होता नहीं है उनके कल्चर में जैसा वो सोचने लगते हैं, और ईजीली हम उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते डिल्यूजन को. जो 5 डिल्यूजनल थीम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं वो आगे ये बताएंगे. उसके अलावा एक और चीज़ है, कभी कभी तो किसी इंडिविजुअल में एक से ज़्यादा डिल्यूजनल थीम्स भी होती है. चाहे इंसान को जो जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है ये डेंजरस नहीं होता दूसरों के लिए जनरली, इसको अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें तो ये करते हैं तो ये पता चलता है कि ये डेंजरस नहीं है. क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ये भी सजेस्ट करते हैं, ये बहुत कम होते हैं जो होमिसाइडल होते हैं, अदरवाइज़ ये होमिसाइडल नहीं होते ये केसेस. डिल्यूजनल पेशेंट जो होते हैं जनरली गुस्से में दिखाई देंगे आपको, एंग्री रहते हैं ये, एंड ये हमेशा इनको ये लगता है कि ये खतरे में है. जो कुछ रेयर इंस्टेंसेस में जो इंडिविजुअल है जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, ये वायलेंट भी हो जाते हैं, और उनके जो विक्टिम होंगे वो लोग होंगे जो इनके आसपास के नज़दीकी लोग होते हैं, जैसे कि इनके स्पाउस हो गया, इनका लवर हो गया, ऐसे लोग इनसे सफ़र करते हैं, इन सबसे ज़्यादा इनको भुगतते हैं. टाइप्स ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बात करें तो पैरानोइया जो है ये एक्सजरेटेड डिस्ट्रस्ट कहते हैं जिसको, ऑफ अदर्स, दूसरों पे बहुत ज़्यादा बिलीव ना करना, सब पे शक करते रहना, उसको पैरानोइया कहते हैं. और ये डिल्यूजनल प्रोपोर्शन तक भी पहुँच जाता है पैरानोइया. जो पैरानोइड इंडिविजुअल होता है वो हमेशा
सब पे शक करेगा, सबके मोटिव्स पे शक करेगा, ये सोचेगा कि लोग उसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो उसके आसपास ही घूम रहे हैं, इस तरह का पैरानोइया में होता है। पैरानोइड परसेप्शंस और बिहेवियर्स जो होते हैं इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे मेंटल इलनेसेस में भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, डिमेंशिया, इसमें देखने के लिए मिलेंगे। प्रोमिनेंट 3 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हम ये देखते हैं, वो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन तीनों में ये पैरानॉइड परसेप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जिस इंसान को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है और या प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, वो प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि इरेशनल अनशेकेबल बिलीफ होगा इसका, मतलब कि जो बिल्कुल सेंस इलॉजिकल सोचेंगे ये लोग, और इतना स्ट्रांगली सोचेंगे कि आप उसको हटा चेंज ही नहीं कर सकते उसके बिलीफ को इस तरह से, और हमेशा ये सोचेंगे कि कोई उनके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है। प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन जो होता है, डिल्यूजन्स हैं वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखने के लिए मिलते हैं, वो भी बड़े बिजेयर से होते हैं, ग्रैंडियस भी होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा करके देखना, बहुत बड़ा करके देखते हैं हर चीज़ को, और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी उसमें होता है। सो आप देख रहे होंगे कि जब दूसरे डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर के साथ डिल्यूजन होते हैं तो बाकी सिम्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसको भी डिल्यूजनल डिसऑर्डर है ये हमेशा अजीब सी ऑफ बीट नॉनसेंस बातें करेगा, मेंटली इल नहीं होगा लेकिन नॉनसेंस बातें ज़रूर करेगा, अजीब सी बातें करेगा, एकदम से कुछ ऐसा कर देगा जो आपको लगेगा कि ना दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और कभी भी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, मना करेगा ट्रीटमेंट लेने से। जिनको भी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसे PPD भी कहते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं, लोगों से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, और हमेशा डाउट करते हैं लोगों पे, और फुल ब्लोन डिल्यूजन नहीं होगा लेकिन कॉन्स्टेंट सस्पिशन रहेगा। इनकी जो सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, कैरियर एडवांसमेंट्स, इन सब में भी इसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि ये सब पे सस्पिशन से देखते हैं सबको। जिनको PPD होता है वो इस कॉन्स्टेंटली लोगों पे अजीब तरीके के केसेस कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, एक सड़ी सी बात के लिए केस कर देंगे, आपको लगेगा यार इसमें केस की क्या ज़रूरत थी, और ये तो केस के लिए कुछ जायज़ भी नहीं है, तो भी वो कर देते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये जो PPD वाले होते हैं ये मेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वीमेन, और ये अर्ली चाइल्ड एडल्टहुड में होता है, अर्ली एडल्टहुड में शुरू होता है। पैरानोइया का जो कॉज है वो अननोन है क्यों होता है, और पोटेंशियल कॉजल फैक्टर्स जो बोले जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टडीज़ में सामने आया है उसमें ये पता चला है कि जेनेटिक्स, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेन केमिस्ट्री यानी कि ब्रेन से निकलने वाले केमिकल्स, और स्ट्रेस, ये फैक्टर्स माने गए हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स के वजह से भी होता है, या तो उनके ड्रग यूज़ से या फिर ड्रग के अब्यूज़ से, जैसे कि अल्कोहल, मरिजुआना, एम्फेटामिन्स, कोकेन, PCP, इन सब से हो सकता है। शॉर्ट टर्म पैरानोइया भी हो जाता है, जिसे एक्यूट पैरानोइया भी कहते हैं, वो जनरली स्ट्रेस की वजह से होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जो भी पेशेंट है जिनको पैरानॉइड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डायग्नोसिस जब होता है पेशेंट का पैरानॉइड सिम्टम्स को देखते हुए, फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि डायमेंशिया है ना, डिमेंशिया जब होता है, डिमेंशिया में क्या होता है जो इंसान की मेमोरी लूज होने लगती है, तो ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके, एनवायरमेंटल कॉजेज़ जैसे कि एक्सट्रीम स्ट्रेस भी हो जाता है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे है ना कहीं कहीं एडिटिंग फ्लॉज हैं, जैसे ये सच एज डिमेंशिया है, तो जिसको डिमेंशिया के बारे में नहीं पता होगा वो क्या सोचेगा, एज डेमे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू आर स्टडिंग, सम फ्लॉज आर देयर,
नाउ एनवायरमेंटल कॉजेज, जैसे हमने बताया कि एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी होता है, अगर साइकोलॉजिकल कॉज को हम सस्पेक्ट करें, हमें लगे कि साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करेंगे, जितने बहुत सारे मेंटल स्टेटस के टेस्ट हैं उनमें से कोई एक आध कोई टेस्ट करेंगे और पेशेंट का मेंटल स्टेटस देखेंगे कि कैसा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्यों हो रहा है ये। पैरानोइया को हम ट्रीट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ट्रीट करते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि थायोरिडाइजीन जो है, ये इसका एक और नाम है मेलारिल, हेलोपेरिडॉल दिया जाता है जिसे हेलडॉल भी कहते हैं, होलडॉल जो भी व्हाट्स एवर, क्लोरप्रोमाजीन करके मेडिसिन है जिसे थोराजीन भी कहते हैं, आई डोंट नो जीन बोलेंगे जाइन बोलेंगे, इसके लिए फार्माकोलॉजी वाली फील्ड के लोगों से पूछना पड़ेगा। क्लोजापीन या क्लोजापाइन, ये क्लोजा रिल भी कहते हैं इसको, रेस्पेरिडॉन, रेस्पेरिडॉन को रेस्पेरिडल भी कहते हैं, ये प्रिस्क्राइब की जाती है। कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है या साइकोथेरेपी दी जा सकती है, जो पेशेंट को हेल्प कर सकती है पैरानोइया से डील करने के लिए या प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स को से डील करने के लिए। ये लेकिन अभी भी श्योर नहीं हुआ है कि जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस बेनिफिट करती हैं इंडिविजुअल को जिसको पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या और ज़्यादा रिस्क भी पैदा कर सकती है, ये अभी तक श्योर नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं चला इस बारे में, लेकिन ये मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि ये डिप्रेशन या ड्रग अब्यूज़ की वजह से अगर ये चीज़ें हो रही हैं, पैरानोइया हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट जो कोर्स होगा वो मेडिकेशन तो होगी होगी और सोशल थेरेपी भी एम्प्लॉय की जाएगी प्राइमरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। जो भी पेशेंट अनविलिंग होते हैं, कई ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट एग्री दैट दे डू हैव सम इश्यूज, तो अगर ये अनविलिंग है थेरेपी के लिए, तो इनकी रिकवरी जो होती है वो बहुत रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि या तो ये टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते या आगे की थेरेपीज़ के लिए ये आते ही नहीं है इनमें अंदर, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको बिलीफ ही नहीं है इस चीज़ का कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो इनको ये लगता है कि थेरापिस्ट इनके अगेंस्ट ज़रूर कुछ प्लॉट कर रहा है, तो ये थेरापिस्ट पर भी शक करते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कुछ पेशेंट्स की जिसको PPD होता है या प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, और ये सोसाइटी में फिर भी विदाउट ट्रीटमेंट फंक्शन करते रहते हैं। डिस्ट्रस्ट जो है ये हॉलमार्क है डिल्यूजनल डिसऑर्डर का, इसमें बंदा बड़ा डिफेंसिव हो जाता है और ये कभी एग्रेसिव भी हो जाता है और हमेशा दूसरों के मोटिव्स पे क्वेश्चन करता है। लोग जो होते हैं वो हार्मलेस भी दिखाई देंगे अगर बाहर से, तो भी वो पेशेंट यही बिलीव करेगा ये है ना इंसान, इस ये शांत शांति कायम करने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन इसके अंदर ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने गार्ड्स को कभी डाउन करता ही नहीं है पेशेंट, हमेशा वो शक की नज़र से ही देखता रहेगा। जो दूसरे सिम्टम्स हम देख सकते हैं इनमें वो ये कि सोशल आइसोलेशन इनमें दिखेगा, पेशेंट डिफेंसिव तो रहता ही है, साथ में वो सस्पिशियस बिहेवियर भी होगा इनके अंदर जिसे हम चेक कर सकते हैं, और ये इनमें लैक ऑफ ह्यूमर होगा, ये कभी हंस खेल के बात नहीं करेंगे। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर का बात करें तो पेशेंट ये बिलीव करता है कि वो एक बहुत ग्रेट इंडिविजुअल है, और ये अक्सर प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन के साथ होता है। ये जो डिल्यूजन है ये पैरानोइया में बहुत कॉमन दिखा होता है ये वाला, और इसमें वो ये सोचता है कि वो बहुत ग्रेट और बहुत पावरफुल है, जबकि रियलिटी में वो इतना पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा जितना वो अपने आप को समझने लगता है। साइकेट्रिक टफेस्ट साइकेट्रिक एनोमलीज जो होती है वो ये है कि ये एक तो डायग्नोस होना बड़ा मुश्किल है और इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों चीज़ें पेशेंट को समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, जब पेशेंट ही नहीं समझ रहा तो हम उसके साथ क्या करेंगे। सो, जो रीज़न है क्यों नहीं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि वो उसका अपना तरीका होता है दुनिया देखने का, उसके नॉन बिजेयर सोच होती है, बिलीव्स होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं वो उनको यही नहीं पता होता कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है।
जो मोस्ट टिपिकल मैनिफेस्टेशन में दिखेगी वो ये कि वो तरह तरह के सोच रखेंगे, अजीब सी सोच रखेंगे, जैसे कि एक फेमस पर्सन का सीक्रेट लव है, इंटरेस्ट है, ऐसा उनको डाउट होगा, और एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ हैं उनमें, और वो बिल्कुल ही हटके उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है। अपने फिजिकल प्रॉब्लम को लेकर वो चिंता करेंगे, जो डिसफिगरमेंट को लेकर चिंता करेंगे जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनका रोमांटिक जो पार्टनर होगा उसके ऊपर वो शक करेंगे, उसको उनको लगेगा कि ये धोखा देगा उनको। तो ये जो पेशेंट होते हैं कभी कभी ये सही भी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं, और उनको यही लगता है कि बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होगा कि उनकी एक आध कोई बात सच निकल गई, एंड बस तब से उनको खुद पे भरोसा हो जाएगा कि जो भी वो कर रहे हैं और जो भी वो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं एंड सारी दुनिया ऐसी है। सो उनके जो शक होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, गलत हो ही नहीं सकते। थेरेपिस्ट की अगर बात करें जो तैयार है उनको ट्रीट करने के लिए, और मान लीजिए वो ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ हैं और साइकोथेरेपी से हटके कुछ ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो है उस पर ट्रस्ट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा हो सकता है कि वो डाउट करने लगे। अगर सपोज़ वो डाउट नहीं करता तो वो अपने जो भी डिसबिलीव्स हैं या उसको जो भी ऐसी अलग हटके सोच है वो डिस्कस कर लेता अपने थेरेपिस्ट के साथ। उस केस में ये जो पार्टनरशिप है इस पे काम किया जा सकता है, पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच की पार्टनरशिप में, और धीरे धीरे हम डिस्कवर कर सकते हैं कि उसका क्या, वो रियल वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसको, उसकी आइडियोलॉजी को चेंज की जा सकती है, और जो भी वो सोचता है उसके सोच को हम अलग तरीके से डील कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, और डिल्यूजनल डिसऑर्डर पर काम कर सकते हैं। एक और डिल्यूजन है जिसे बोलते हैं मोटिवेटेड और डिफेंसिव डिल्यूजन्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में, और जो सफरिंग है वही कारण हो जाती है डिल्यूजनल डिसऑर्डर की, यानी उस सफरिंग की वजह से उनमें डिल्यूजनल डिसऑर्डर पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वो लाइफ से कोप अप कर रहे होते हैं और अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो जाता है। तो अपने अपने अपना खुद का पॉजिटिव व्यू बनाने के लिए, पॉजिटिव व्यू को प्रिजर्व करने के लिए ये लोग दूसरों पे शक करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि दूसरे लोग उनकी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हैं। सो इनके ये थॉट में ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है कि दूसरे लोगों की वजह से उनकी लाइफ उस तरह की नहीं चल रही जिस तरह की चलनी चाहिए, उनकी लाइफ पॉजिटिव नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ अदर्स। तो इनके ये, इसको बोलते हैं डिफेंसिव डिल्यूजन, इनका मोटिवेशन उस तरफ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट डिल्यूजन। अब हम पढ़ेंगे डिल्यूजन्स एंड अदर डिसऑर्डर्स, यानी दूसरे डिसऑर्डर में डिल्यूजन का क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। जो डिल्यूजन्स होते हैं ये किसी भी पर्सन में अगर दिखे तो ये दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ भी दिखते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, इनमें भी डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन्स ये हम ऐसे भी देख सकते हैं, इनके फिजिकल मेडिकल कंडीशन के साथ भी एविडेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरी हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तभी भी इनको डिल्यूजन हो सकता है, या ये कोई ऐसे ड्रग्स लेते हैं उसके रिएक्शन में भी डिल्यूजन हो सकता है। तो डिल्यूजन्स जब होते हैं ये डिमेंशिया में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे उनके साथ भी ये देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जब ये ऐसा होगा तो मेमोरी लॉस भी आपको दिखाई देगा और पर्सन के अंदर जब भी डिमेंशिया के साथ होगा, और ब्रेन टिश्यू, और ये क्यों होता है डिमेंशिया, क्योंकि ब्रेन टिश्यू में डिटीरियोरेशन आने लगता है, डैमेज होने लगता है इस वजह से। तो अगर हम डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है डिल्यूजनल डिसऑर्डर का, ये हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो किस वजह से हो रहा है, वो क्या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो हमें जो प्रोसेस यूज़ करना होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन।
प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि डिल्यूजन जो है वो उसके साथ कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि क्या वो परसिस्टेंट रिकरिंग हेलुसिनेशंस हो रहे हैं उसके साथ, हमेशा हेलुसिनेशन होते हैं या बार बार हेलुसिनेशन हो रहे हैं डिल्यूजन के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्किजोफ्रेनिया या शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि ये अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस नहीं हो सकता। अगर डिल्यूजन मेमोरी लॉस के साथ नहीं हो रहा तो हम रूल आउट कर लेंगे कि डिमेंशिया भी नहीं है। अगर कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, कोई इंजरी नहीं आई है, बायोलॉजिकल कॉज नहीं है उसके पीछे, यानी कि ड्रग नहीं खाया या ड्रग विड्रॉल वाला केस नहीं है, ड्रग इंजेक्शन का केस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जनरल मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग रिलेटेड कॉज नहीं हो सकता। अगर डिल्यूजन जो है मोस्ट ऑब्वियस है एंड इसका जो परवेसिव सिम्टम्स है बिना हेलुसिनेशन के है, कोई मेडिकल कॉजेशन नहीं है, ड्रग इन्फ्लुएंस भी नहीं है, मेमोरी लॉस भी नहीं है, तो हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है ये एक अलग कैटेगरी बन जाएगी। आगे अगर हम देखें, जो दो लाइन का थोड़ा सा और बचा आपको बताने का, तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फोकस होगा, सबसे ज़्यादा हम फोकस कहाँ करेंगे, डिल्यूजनल थिंकिंग के सिम्टम्स पे, किस तरह से डिल्यूजन उसको अफेक्ट कर रहा है। सो जब इसके ट्रीटमेंट की बात आएगी तो साइकोथेरेपी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर के लिए, और ये जब भी ट्रीटमेंट हम करते हैं इसका तो हम सिम्टम फोकस्ड ट्रीटमेंट करेंगे, नॉट डायग्नोसिस फोकस्ड, क्योंकि सिम्टम जो होगा उसी के बेसिस पे हम ट्रीट करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। सो रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि जब भी साइकोथेरेपी टेक्निक्स की बात आती है तो सिम्टम फोकस्ड ही यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप योर माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। इफ़ इट इज़ सो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट स्किप द एड्स सिंस द बेनिफिट्स वुड गो टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।